गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू चिल्ड्रंस। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट दिस कंप्यूटर। आज जो है कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे और क्लास 7 में चैप्टर 3 फॉर्मूले एंड फंक्शंस इन एक्सेल। एक्सेल सीट में किस तरह फॉर्मूलों को यूज किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरह से सीट एक्सेल सीट तैयार की जाती है डेटा की, वो सब, ठीक है। वीडियो का 3 पार्ट है ये जो आप पढ़ाऊँगा, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। यहाँ पर दे रखा है कंसिडर एन अनोदर एग्जाम्पल, कि अन्य कुछ उदाहरण है इसके। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, सपोज यू हैव सम डेटा ऑफ एम्प्लॉयज एंड यू वांट टू फाइंड द टोटल एचआरए थ्रू रिलेटेड रिफरेंसिंग, दैन फॉलो दीज स्टेप। सपोज करो कुछ डेटा आप एम्प्लॉय यानी कर्मचारियों का, किसी कंपनी के कर्मचारियों का डेटा आप अगर चाहते हो फाइंड करना, ज्ञात करना, तो उसमें टोटल एचआरए, ठीक है, उनके जो एचआरए मतलब एक तरह से सैलरी पर एचआरए कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, उस सब इसके बारे में फॉर्मूले यूज करके यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो इसमें दे रखा है क्लिक ऑन द सेल B8। सपोज ए फॉर्मूला इक्वल B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6 इज एंटर्ड इन दिस सेल विच कंसिडर ऑफ टोटल ऑफ द बेसिक सैलरी। राइट क्लिक दिस सेल टू कॉपी द टोटल ए सपोर्ट टोटल ए शॉर्टकट अपेयर्स। इसमें कहा गया कि आपको सपोज आपको फॉर्मूला लेना है, ठीक है, B2 प्लस B3 इस तरह से, तो आपको इसमें सेल में एंट्री करनी होगी, ठीक है, और बेसिक टोटल बेसिक सैलरी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर दे रखा है, उसके बाद सेलेक्ट द कॉपी ऑप्शन फ्रॉम इट एंड क्लिक ऑन द सेल C8। राइट क्लिक द सेल एंड चूज पेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द रिलेटेड शॉर्टकट मेन्यू, यू विल द टोटल ऑफ HRA एम्प्लॉय नेम सैलरी HRA, ठीक है। जैसे इसमें दे रखा है, ऋषभ गोयल 25,000, 25,000 रुपये की सैलरी है, HRA इसमें 2,000, फिर डी ए 10% कटा इसमें, ठीक है, डिडक्शन हुआ इस तरह से, फिर जो टोटल है ये इतना सैलरी का। उसके बाद ये कैलकुलेट की सैलरी, ठीक, एम्प्लॉय की सैलरी भी यहाँ से हम कैलकुलेट करके बनाते हैं, तैयार करते हैं, उनके अटेंडेंस भी हम इस पर अपडेट करते हैं। उसके बाद आगे पढ़ते हैं एब्सोल्यूट रिफरेंस इज यूज व्हेन यू डू नॉट वांट द चेंज इन सेल एड्रेस एट द टाइम कॉपिंग इन दिस रिफरेंस। डॉलर साइन इज यूज बिफोर द कॉलम अल्फाबेट एंड रो नंबर, सो वैल्यूज आर एक्सप्रेस्ड एज कॉन्स्टेंट वैल्यूज दैट विल बी यूज फॉर ऑल द सेल विद नो चांस। सपोज यू नीड टू कैलकुलेट डी ए फॉर इच एम्प्लॉय इन द प्रीवियस यूज डेटा, देन यू यूज G1 सेल फॉर इच एम्प्लॉयज एज एन एब्सोल्यूट रेफरेंस फॉलो दिज स्टेप टू परफॉर्म टास्क। क्लिक ऑन द सेल D2, टाइप इक्वल B2 मल्टीप्लाई G$1 इन द सेल, ठीक। एब्सोल्यूट रेफरेंस में जो यूज होता है, जब आप चेंज नहीं करना चाहते सेल में एड्रेस को एक समय में, ठीक है, या कॉपी नहीं करना चाहते, तो इस रेफरेंस में हम डॉलर साइन को यूज करते हैं, ठीक है, इस तरह से। और इसमें डी ए जो सैलरी का मतलब DA, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, उस पर HRA DA इनको और GST मतलब जो भी ये लगते हैं सैलरी का, वो डिडक्ट की जाती है, कैलकुलेट की जाती है, ठीक, वो सब इसमें फॉर्मूला इस तरह से हम यूज कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, उसके बाद दे रखा है इसमें कि प्रेस एंटर की, यू विल सी दैट 10% ऑफ बेसिक सैलरी इज कैलकुलेटेड
एज डी ए इन द सेल, इसमें कहा है प्रेस एंटर की करना है आपको, देखना कि 10% बेसिक सैलरी कैलकुलेट करना डी ए, 10% डिडक्शन है। राइट क्लिक दिस सेल एंड सेलेक्ट द कॉपी ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू, राइट क्लिक करना है ठीक है, और सेलेक्ट करना कॉपी को शॉर्टकट मेन्यू, यूज पेस्ट ऑप्शन फॉर रेमेनिंग सेल D3 D3 to D6, न्यू डी ए विल बी कैलकुलेट फॉर ऑल द एम्प्लॉयज। उसके बाद मिक्स मतलब एक तरह से मिक्स रिफरेंस को यूज करते हैं, मिक्स यहाँ पर इसमें देखा है मिक्स रिफरेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रिफरेंस इन द रिफरेंस द एड्रेस कंसिस्ट ऑफ डॉलर साइन विद्रॉ और कॉलम एड्रेस $D1, $E$8, $H$10, $SF$12 आर द एग्जाम्पल ऑफ द ऑफ मिक्स रिफरेंस। तो मिक्स रिफरेंस जो है एक कॉम्बिनेशन है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रिफरेंस का। इस रिफरेंस में एड्रेस कंसिस्ट होगा, उसके साथ डॉलर साइन को यूज करेंगे ठीक, उसमें रो एंड कॉलम होंगे ठीक। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, सपोज यू वॉन्ट टू एड द टी ए इन सैलरी देन यू कैन यूज मिक्स रिफरेंस फॉर कैलकुलेटिंग द नेट सैलरी फॉर ऑल एम्प्लॉयज, फॉलो दीज स्टेप्स टू परफॉर्म दिस टास्क, क्लिक ऑन द सेल E2, टाइप इक्वल B2 + C2 + B2, इसके मल्टीप्लाई G $1 हेयर, प्रेस एंटर की, द नेट सैलरी विल अपेयर इन द सेल E2, कॉपी द वैल्यू ऑफ सेल E4 एंड पेस्ट इन इट इन E3 - E6 सेल, द नेट सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज विल बी कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द मिक्स रिफरेंस यूज इन द सेल C2। इसमें कहा गया है कि आपको स्टेप को फॉलो करना है। इस पहले स्टेप में ये बताया क्लिक करना सेल E2 ठीक, सेल E2 यहाँ पर इस तरह से 29,500 इस पर कैलकुलेट किया, फिर टाइप इक्वल B2 + C2 + B2 मल्टीप्लाई G $1 हेयर, उसके बाद प्रेस एंटर की, द नेट सैलरी विल अपेयर इन सेल E2, कॉपी द वैल्यू ऑफ सेल E4 एंड पेस्ट इट इन E3 E6 सेल, द नेट सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज विल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द मिक्स रिफरेंस यूज इन द सेल C2 ठीक है। तो इसमें जो इस शीट तैयार की गई है, यानी डेटा को एंटर किया गया ठीक है, डेटा की जो एंट्री की गई है इसमें एम्प्लॉयज के नेम, सैलरी, HRA और DA कितना परसेंट कटना है, इसमें डिडक्शन होना है वो सब। तो यहाँ पर शीट तैयार की गई थी और कंपनी के एम्प्लॉयज़ का यानी कर्मचारियों का डेटा इसमें अपडेट किया गया है ठीक। तो इसमें हम स्कूल यानी कॉलेज का भी डेटा, इसमें डेटा की एंट्री करते हैं, जैसे नॉमिनल सीट होती है, फादर नेम, स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, आधार, वो सब इसमें एक्सेल सीट में हम एंट्री करते हैं। तो आज के लिए इतने बच्चों, आगे फिर पढ़ेंगे, धन्यवाद।